जी शालिमा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको चैप्टर वन के न्यू वर्ड्स वन नंबर की नोटबुक में लिखने हैं। सो क्या आपने लिख लिए विद नीट एंड गुड हैंड राइटिंग? ओके फाइन। नाउ जो हमारा लैंग्वेज का चैप्टर वन है, आई कैन स्विम, मतलब कि मैं तैर सकता हूँ, ये हमारा चैप्टर वन है। बट अब ये जो चैप्टर है वो मैं आपको एक एक्ट के थ्रू द्वारा बताऊंगी, ताकि जब आप रीडिंग करोगे या तो उस चैप्टर को आप देखोगे तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर होगा। ओके सो एवरीवन रेडी? क्या आप वो एक्ट देखना चाहोगे? ओके लेट्स सी। सी हियर, मैंने आपको जो दो एक्ट दो कैरेक्टर बोले थे, तो यू कैन सी यहाँ पे एक है रैबिट और दूसरा है स्वान इस चैप्टर में। बट मेरे पास स्वान नहीं था तो मैंने डक को ले लिया है। बट आपको क्या समझना है, ये कौन है? स्वान। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। नाउ रैबिट इज वॉकिंग इन द जंगल। रैबिट है वो जंगल में चल रहा था और ये जो स्वान है वो पानी में स्विम कर रहा था। अब इस स्वान ने रैबिट को देखा और इससे पूछा, स्वान से टू रैबिट, हु आर यू, आप कौन हो? रैबिट ने सुना। देन रैबिट से, आई एम अ रैबिट, माई नेम इज बनी, हु आर यू, मेरा नाम मैं रैबिट हूँ, मेरा नाम बनी है, आप कौन हो? जैसे कि एज ए जनरली अगर हमें कोई पूछेगा हु आर यू, तो हम भी तो उनसे पूछेंगे सामने हु आर यू। नाउ रैबिट से टू स्वान, अब स्वान कहता है, आई एम अ स्वान, माई नेम इज डोली, आई कैन स्विम, कैन यू स्विम, मेरा नाम डॉली है, मैं स्वान हूं, मैं तैर सकती हूँ, क्या तुम तैर सकते हो? तो अब ये जो रैबिट है वो रिप्लाई कहता है, मतलब रैबिट बोलता है, आई कैन नॉट स्विम, आई कैन हॉप, कैन यू हॉप, मैं स्विम तो नहीं कर सकता, मैं हॉप कर सकता हूँ, क्या तुम हॉप कर सकते हो? अब ये स्वान कहता है, आई कैन नॉट हॉप, आई कैन फ्लाई, कैन यू फ्लाई? अब ये जो स्वान है वो इसे कहता है कि मैं हॉप तो नहीं कर सकती, मैं फ्लाई कर सकती हूँ, क्या तुम फ्लाई कर सकते हो? नाउ रैबिट से, आई कैन नॉट फ्लाई, आई कैन रन, कैन यू रन? मैं फ्लाई तो नहीं कर सकता, मैं रन कर सकता हूँ, मतलब कि मैं भाग सकता हूँ, क्या तुम भाग सकते हो फटाफट मेरे जैसे? तो अब ये जो स्वान है वो कहता है, आई कैन नॉट रन और यू कैन नॉट फ्लाई, आई कैन नॉट हॉप तो यू कैन नॉट स्विम, मतलब कि जैसे कि मैं भाग नहीं सकती तो तुम फ्लाई नहीं कर सकते, मैं हॉप नहीं कर सकती तो तुम स्विम नहीं कर सकते। ये बात रैबिट ने सुनी। किसने सुनी? रैबिट ने। अब रैबिट सोच रहा है और बता रहा है, ये स्वान, आई कैन नॉट फ्लाई, मैं फ्लाई नहीं कर सकता, यू कैन नॉट हॉप तो तुम हॉप नहीं कर सकते, आई कैन नॉट स्विम तो यू कैन नॉट रन, जैसे कि मैं स्विम नहीं कर सकती तो तुम रन नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन दिस एक्ट? जैसे कि आपको इस एक्ट में समझ में आया, जैसे कुछ चीजें रैबिट कर सकता है तो कुछ चीजें स्वान कर सकता है। स्वान क्या कर सकता है? फ्लाई एंड स्विम। और रैबिट क्या कर सकता है? रन एंड हॉप। मींस कि हमें इस चैप्टर में से क्या मोरल मिला? हर कोई पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता, किसी में अलग क्वालिटी होती है तो किसी और में अलग क्वालिटी होती है। जैसे कि आपका फ्रेंड्स होता है, वो सिंगिंग में मास्टर होता है तो कोई डांस में मास्टर होता है, कोई पेंटिंग में मास्टर होता है तो कोई स्पोर्ट्स में मास्टर होता है, किसी का मेंटल मैथ्स अच्छा होता है तो किसी की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो हम सब क्लेवर है और हमारे फ्रेंड्स भी क्लेवर है। अंडरस्टूड?